वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है शगुन और आप देखना शुरू कर चुके हैं चस्का फॉर यू। गाइस देखो, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो अपना स्मार्टफोन रात भर चार्जिंग पर लगाएंगे इसके बाद ये उनके स्मार्टफोन की बैटरी फट जाएगी, लेकिन गाइस ये बात सरासरी झूठ है। जी हां गाइस, हमने बिल्कुल ही सही सुना, क्योंकि गाइस देखो जितने भी आजकल मॉडर्न स्मार्टफोन्स आ रहे हैं इन सब में गाइस काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम अलोंग विद गाइस सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स का यूज किया जाता है। इसीलिए गाइस जैसे ही आपकी बैटरी 100% तक चार्ज होती है इसके बाद गाइस ऑटोमेटिकली चार्जिंग हो जाती है बंद, और गाइस फिर जैसे ही बैटरी ड्रॉप होती है 95% पर इसके बाद गाइस चार्जिंग दोबारा हो जाती है चालू। इसीलिए गाइस 100 से 95, 95 से 100 इसी के बीच में गाइस परसेंटेज ऑसिलेट करता है, कभी भी गाइस 100% से ओवर नहीं जाता है। इसीलिए गाइस रात भर चार्ज करेंगे तो बैटरी फट जाएगी, ये तो बात एकदम ही गलत है, समझ रहे हो। तो गाइस इससे तो देखो कोई भी आपकी स्मार्टफोन की बैटरी को प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ लेकिन एक चीज से जरूर प्रॉब्लम होगी जो कि गाइस है गर्मी। जी हाँ गाइस, जैसे हम सबको गर्मी लगती है ऐसे ही अगर कहीं स्मार्टफोन की बैटरी को गर्मी लग गई इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी जो स्मार्टफोन की बैटरी है वो खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। तो गाइस देखो, अगर हम आपको थोड़ा सीरियसली बताएं कि यहाँ पे क्या चक्कर है, तो भैया हर स्मार्टफोन बैटरी की कुछ कैपेसिटी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल जब आप उसे खरीदते हैं तो 4410 mAh, 5000 mAh, 6000 mAh वगैरह वगैरह, और गाइस जैसे जैसे टाइम ये गुजरता जाता है वैसे वैसे गाइस ये जो बैटरी की कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। जी हाँ गाइस, और इसको रोकने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे एक साल में आपकी 10% कम हो जाएगी, दो साल में आपकी मान लीजिए 20% कम हो जाएगी, तो भैया 80% ही बचेगी। लेकिन हाँ गाइस, जो ये गर्मी वाला फैक्टर है वो गाइस इसे और भी तेजी से कम करता है। अच्छा, कहने का क्या मतलब है कि जैसे एक साल में आपका 10% कम हो रही थी, तो भैया अगर आपकी स्मार्टफोन का बैटरी का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो गाइस यहाँ पे हो सकता है कि वो 10% आपका 3 महीने में ही हो जाए। इसका मतलब आप समझ लीजिए फिर एक साल में तो आपका जैसे अराउंड 30-40% बैटरी कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसीलिए गाइस ये जो गर्मी वाला फैक्टर है वो गाइस मेजर रोल यहाँ पर प्ले करता है। इसीलिए भैया जैसे आप अपने स्मार्टफोन को रात भर चार्जिंग पर लगाइए वो एकदम ही ठीक है, लेकिन गाइस ऐसी जगह पर स्मार्टफोन को रखिए जहाँ पर गाइस वो प्रॉपरली हीट, यानी कि आप समझ लीजिए जो उसमें गर्मी पैदा हो रही है उसे गाइस वो निकाल सके, ठीक है। अब गाइस देखो, यहाँ पे बहुत से लोगों को आइडिया आ रहा होगा कि अगर हम अपने स्मार्टफोन को फ्रिज में रख के चार्ज करें तो एकदम बैटरी कैपेसिटी मेंटेन रहने वाली है, नहीं घटेगी क्योंकि गर्मी तो है ही नहीं, कोई सेंस है इस बात की। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, जैसे गाइस गर्मी नुकसानदायक है वैसे ही गाइस सर्दी भी नुकसानदायक है। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल ही सही सुना, मगर क्यों? क्योंकि गाइस अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी का टेम्परेचर -10, -20 या उससे भी नीचे पहुंच जाता है तो ये अगेन फिर से आपकी जो स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी है वो गाइस कसके घटने वाली है। जी हाँ गाइस, इसीलिए आप समझ लीजिए कि मतलब आपको जो स्मार्टफोन की बैटरी का टेम्परेचर है उसे गाइस आपको नॉर्मल रेंज में रखना है, लाइक अराउंड 0°C से लेके 40-45-50, इससे गाइस ऊपर ना जाए, समझ रहे हो। अब गाइस देखो, यहाँ पे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये जो फास्ट चार्जिंग होती है जो कि गाइस हर एक स्मार्टफोन में इन दिनों लगवा आती है, जैसे कि 67 वाट की, 80 वाट की, 120 वाट, 240 वाट वगैरह वगैरह, ये काफी ज्यादा स्मार्टफोन बैटरी के लिए नुकसानदायक होती है। तो ये यहाँ पे हम आपको बता दें कि होती थी, मतलब होती थी, होती है नहीं, क्योंकि गाइस जो पहले के स्मार्टफोन्स होते थे यानी कि आप समझ लीजिए लगभग 4-5 साल पहले के, इनमें क्या था कि वहाँ पे फास्ट चार्जिंग का फीचर तो डाल दिया गया लेकिन भैया वहाँ पे कूलिंग का कोई भी सिस्टम नहीं रखा गया, मतलब कूलिंग पर ध्यान ही नहीं दी गई। इसीलिए गाइस जैसे ही आप फास्ट चार्जिंग करते थे वैसे ही गाइस क्या होता था कि फोन गर्म होना शुरू हो जाता था, और भैया वहाँ पे क्या होता था कि जैसे ही गर्म होता था तो गाइस बैटरी का भी टेम्परेचर बढ़ता था और उससे गाइस उसकी कैपेसिटी पर असर पड़ता था। और तब से गाइस एक ट्रेंड बन गया कि ये जो फास्ट चार्जिंग है ये गाइस बैटरी की हेल्थ को काफी बेकार कर देती है। लेकिन गाइस ये जो ट्रेंड है वो आज के स्मार्टफोनों में सही नहीं है। जी हाँ गाइस, क्योंकि देखो जो आज के स्मार्टफोन है इनमें काफी जबरदस्त कूलिंग सिस्टम है, लाइक कुछ स्मार्टफोनों में तो वेपर चेम्बर कूलिंग सिस्टम है। इसीलिए गाइस आपका स्मार्टफोन जब आप फास्ट चार्जिंग करते हैं तो वहां पे भी बैटरी कुछ ज्यादा गर्म नहीं होती। और गाइस देखो, जो दूसरी बात है वो सबसे मेन है कि पहले क्या होता था कि चार्जिंग को मैनेज करने के ज्यादातर कंपोनेंट्स लगे होते थे आपके स्मार्टफोन के अंदर, और क्योंकि गाइस वो चार्जिंग को मैनेज कर रहे हैं इसीलिए गाइस वो कंपोनेंट्स हीट होते थे और गाइस ओवरऑल आपके स्मार्टफोन से भी हीट निकलती थी। लेकिन गाइस आजकल के स्मार्टफोनों में ज्यादातर जो कंपोनेंट्स हैं वो भैया लगे हैं आपके चार्जर के अंदर। जी हां गाइस, इसीलिए वो जो हीट होने वाले कंपोनेंट्स हैं वो गाइस चार्जर में हीट अपनी निकाल देते हैं, और इसीलिए आप समझ लीजिए कि मतलब आपके जो स्मार्टफोन है उससे गाइस काफी कम हीट निकलती है। इसीलिए गाइस ये तो हो गया दूसरा रीजन, और गाइस देखो जो तीसरा रीजन है वो ये है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ स्मार्टफोनों में ऐसी स्प्लिट बैटरी आ रही है, मतलब गाइस जैसे क्या है कि 5000 mAh की एक सिंगल बैटरी की जगह पर गाइस 2500 mAh की दो अलग अलग बैटरीज हैं। तो ये ऐसा क्या करना पड़ गया जबकि गाइस बैटरी कैपेसिटी तो उतनी ही है।
गुड क्वेश्चन। लेकिन गाइस यहाँ पे क्या है कि इस वाले सेटअप में अगर आप फास्ट चार्जिंग करेंगे तो ये यहाँ पे हीट कम प्रोड्यूस होगी एज कम्पेयर टू सिंगल 5000 बैटरी से। अच्छा, क्योंकि गाइस आप इसे काफी इजीली समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 120 वाट की फास्ट चार्जिंग को यूज कर रहे हैं, तो गाइस अगर हम 5000 एमएएच की बैटरी को 120 वाट पे फास्ट चार्ज करेंगे तो एक तो ये केस हो गया, और एक दूसरा केस हो गया जहाँ पे गाइस हम 2500 एमएएच की बैटरी को अलग अलग 60 वाट पे चार्ज कर रहे हैं। तो गाइस आप मतलब क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि गाइस ये जो 60 वाट पे क्योंकि यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं इसीलिए गाइस यहाँ पे हीट कम प्रोड्यूस होने वाली है एज कम्पेयर टू 120 वाट वाले से। बात तो सही है। इसीलिए भैया फिर यहाँ पे क्लियरली ये तीन रीजंस की वजह से गाइस आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं इनमें अगर आप फास्ट चार्जिंग करते हैं तो भैया आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके स्मार्टफोन में गाइस कोई भी बैटरी इशू आने वाला नहीं है। इसके अलावा गाइस देखो ज्यादातर तो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपने स्मार्टफोन को पावर ऑफ या स्विच ऑफ करके चार्ज करेंगे तो वो जल्दी जल्दी चार्ज होगा, तो गाइस देखो ये बात पहले के स्मार्टफोनों में सही थी, आज के स्मार्टफोनों में सही नहीं है। जी हाँ गाइस, ये क्या बात करते हैं यार, क्योंकि अगर आप पावर ऑफ करके चार्ज करेंगे इसके बाद भैया जो सॉफ्टवेयर से ऑप्टिमाइजेशन होता है जो कि गाइस ये बताता है चार्जर को कि कब फास्ट चार्जिंग करना है वो गाइस तो रन ही नहीं होगा। इसीलिए आप समझ लीजिए कि मतलब वहां पे आपका जो स्मार्टफोन है वो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड चार्जिंग से ही चार्ज होगा, ना कि फास्ट चार्जिंग से। इसीलिए भैया वहां पे चार्ज होने में काफी देर लग जाएगी एज कम्पेयर टू स्विच ऑन। इसीलिए गाइस अगर आपको जल्दी जल्दी चार्ज करना है तो आप अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑन करके कीजिए चार्ज। अब वहां पे अगर आपको थोड़ा सा टाइम और जल्दी करना है तो गाइस आप ये कर सकते हैं कि जैसे फालतू के फीचर्स लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ, लोकेशन वगैरह को बंद कर दीजिए, एक झटके में बंद करना है तो गाइस एरोप्लेन मोड ऑन कर दीजिए। तो गाइस इससे वहां पे क्या होगा कि ये जो फालतू के फीचर्स हैं वो आपके स्मार्टफोन की एनर्जी को यूज नहीं करेंगे, इसीलिए भैया फिर वहां पे आपका स्मार्टफोन थोड़ा सा जल्दी चार्ज हो सकता है। इसीलिए गाइस आपको ये बात का ध्यान रखना है, और गाइस स्विच ऑफ करने के बाद जल्दी चार्ज होता है ये गाइस बात एकदम ही गलत है आज के स्मार्टफोनों में। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। अब गाइस देखो यहाँ पे कुछ लोग ये सोचते हैं कि ओहो बैटरी 80% से ऊपर ना जा पाए, 20% से नीचे ना जाए, 20% से नीचे जाए तुरंत चार्जिंग पर लगाओ, 80 से ऊपर जाए चार्जिंग पर निकालो, 100% ना पहुंचे, 0% ना पहुंचे वगैरह वगैरह, ये सब लोग सोचते हैं। और इवन गाइस ये हम भी सोचते थे और हमने आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन भैया ये बात है गलत। जी हाँ गाइस ये आज के स्मार्टफोनों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि गाइस आज की जो स्मार्टफोन है इनमें काफी जबरदस्त सॉफ्टवेयर लेवल से ऑप्टिमाइजेशन है जिसका नाम होता है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, जो कि गाइस आपको हर एक स्मार्टफोन के सेटिंग्स में मिल जाएगा जो भी गाइस आजकल के स्मार्टफोन है इन सब में। इसीलिए गाइस मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका स्मार्टफोन पूरा ध्यान रखे आपकी बैटरी हेल्थ का, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं, आपको सिंपल नॉर्मल यूज करना है, जब भी लगे आपको चार्ज करना हो तो चार्ज कीजिए, जब भी लगे आपको खर्च करना है तो आप खर्च कीजिए, आपको कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि 0% 100% फास्ट चार्जिंग, रात भर चार्ज करना वगैरह वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स हो गई होंगी सॉल्व्ड, और आपको पता चल गया होगा कि आपको किस बात का रखना है ध्यान। और भैया अगर आपको पता चल गया है तो आपको एक और बात का ध्यान रखना है, वो है ये कि नीचे सब्सक्राइब बटन दबाना है, अगर इस पास में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही में अगर इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई सुझाव वगैरह हो वो सब आप हमें नीचे बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में दीजिए, और हम आपसे मिलते हैं सीधे अगले वीडियो में। धन्यवाद।